हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभय कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ अपने एक नए टॉपिक के साथ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन्होंने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे बटन पे क्लिक करें, ताकि मैं जो भी वीडियो बना के अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे जो भी लाभ है आप उसे वीडियो देख के लाभ उठा सकें। इस बार का मैं टॉपिक थोड़ा सा यूनिक है। मैं ये प्रैक्टिकली अपने अनुभव के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कैसे चेक करें कि कोई ड्राइवर रियल है या नहीं है, रियल ड्राइवर पहचानने के तरीके, और कैसे हम उसको सही तरीकों से अपने लाइफ को या अपने परिवार के लाइफ को हम बचा सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करके कि वो रियल ड्राइवर है या नहीं है। रियल ड्राइवर का पहचान करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, DL इशू कर देती है। ठीक है, DL इशू होता है तो DL क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एक लीगल ऑथराइजेशन मिलता है कि भैया ये आदमी, गवर्नमेंट उसको अप्रूव करती है कि ये कहीं ना कहीं आपको गाड़ी चलाने के लिए इसको अप्रूवल दिया जाता है। लेकिन रियलिटी आप सब जानते हैं कि DL होना और रियल ड्राइवर होना दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास लाइसेंस तो होता है लेकिन वो जानते ही नहीं कि ड्राइविंग कैसे करना है। लाइसेंस तो होता है लेकिन वो जानते नहीं है कि ड्राइविंग कैसे करना है। तो हमको ये DL होने का मतलब ये नहीं है कि ये परफेक्ट ड्राइवर है, ये परफेक्ट ड्राइवर है। अगर जिसके पास DL है तो वो परफेक्ट ड्राइवर हो, ये कोई गारंटी नहीं है इसका। तो उसके लिए हम आपको आज कुछ ऐसे ट्रिक बताने वाले हैं, ऐसे चीज बताने वाला हूं जिससे आपको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो ड्राइवर है या नहीं है। सबसे पहले, अगर कोई ड्राइवर गाड़ी पे बैठता है तो क्या करता है कि जो है लगाने के बाद वो सेल्फ को स्टार्ट नहीं करना है, इंजन को थोड़ा ऑटो लुब्रिकेंट होता है ना, लुब्रिकेंट अगर जब तक वो एक दूसरे के साथ पूरा नहीं हो पाएगा तब तक इंजन को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो कुछ आइडल जो होता है ना, आइडल उसको छोड़ना है थोड़ा देर, ताकि वो अपना लुब्रिकेंट पूरा ले पाए। कि थोड़ा स्टार्ट करने के बाद हमें कभी भी एक्सीलेटर नहीं दबाना है ताकि वो रेस हो, रेस नहीं करना है। अगर कोई तुरंत की लगा के स्टार्ट करते ही अगर रेस करता है, दैट मीन्स ही नॉट ए रियल ड्राइवर, वो रियल ड्राइवर नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर वो चालू करने के बाद थोड़ा देर आइडल छोड़ता है, फिजिकल चेक करता है, नहीं करता है, उससे पता चलेगा कि वो रियल ड्राइवर है या नहीं है। उसको क्या अपना उसका ये एक्सीलेटर का चेक करना है, क्लॉच चेक करना है, टायर का हवा चेक करना है, ये सब उसका तेल वगैरह जो है वो पूरा चेक करना है कि वो सही है, फिजिकल कंडीशन यह है या नहीं है। अगर वो चेक नहीं करता है दैट मीन्स वो रियल ड्राइवर नहीं है। इन सब के अलावा अगर वो गाड़ी में बैठता है, जैसे ड्राइविंग सीट पे बैठता है ये की लगाने से पहले भी उसको कुछ काम करने हैं, इफ ही डूइंग दैट द सेम थिंग दैट मीन्स ही इज अ रियल ड्राइवर। अगर वो सही वो चीज करता है दैट मीन्स कि वो रियल ड्राइवर है। अगर उन चीजों को फॉलो नहीं करता है दैट मीन्स वो रियल ड्राइवर नहीं है। वो तीन की क्या है, वो तीन स्टेप्स जो है ना वो क्या है, ये तीन स्टेप्स क्या है जिससे कि आपको आइडेंटिफाई हो पाएगा कि वो रियल ड्राइवर है या नहीं है। सबसे पहला काम, वो सीट पे बैठते ही, ठीक है, सीट को अगर एडजस्ट नहीं करता है, ठीक है, अगर सीट को एडजस्ट नहीं करता है, क्योंकि हर एक ड्राइवर का जो लेंथ है, बॉडी लेंथ या वेट, वो थोड़ा डिफरेंट है, उसका अपना पोस्चर डिफरेंट होगा। तो एक ड्राइवर बैठ के गया है तो कोई जरूरी नहीं है कि दूसरा ड्राइवर उसी पे फिट बैठेगा। तो उसको अपने सीट को एडजस्ट करना है। अगर वो सीट को एडजस्ट नहीं कर रहा है दैट मीन्स ही इज नॉट परफेक्ट ड्राइवर। क्योंकि आप जब तक सही तरीके से बैठ ही नहीं पाएंगे तो आप गाड़ी कैसे चलाएंगे।
तो फर्स्ट स्टेप है सीट का एडजस्टमेंट। अगर सीट को एडजस्ट नहीं कर रहा है दैट मींस वो सही ड्राइवर नहीं है। ओके तो फर्स्ट स्टेप हो गया सीट का एडजस्टमेंट, क्योंकि हर किसी का फिजिकल कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। दूसरा जो स्टेप्स है वो बैक मिरर, जो दोनों सीट के बीच में ऊपर लगा रहता है लुकिंग ग्लास पीछे से गाड़ी देखने का, वो अगर वो एडजस्ट नहीं करता है, क्योंकि हर ड्राइवर का अपना हाइट डिफरेंट होता है, अगर वो पीछे का मिरर देखने के लिए कि पीछे से देखने के लिए अगर वो नहीं कर पा रहा है दैट मीन्स वो परफेक्ट ड्राइवर नहीं है। अगर वो परफेक्ट ड्राइवर है तो उसको क्या है, बैठते ही उसको मिरर को एडजस्ट करना होगा, क्योंकि हर ड्राइवर का अलग अलग लेंथ होता है, हर ड्राइवर का अलग अलग विजिबिलिटी होती है, तो अपने उसको विजिबिलिटी के अनुसार वो बैक का जो मिरर है बैक का है उसको उसको देखना है, उसको एडजस्ट करना है। अगर वो एडजस्ट कर रहा है दैट मीन्स वो रियल ड्राइवर है, अगर एडजस्ट नहीं कर रहा है दैट मीन्स वो रियल ड्राइवर नहीं है। ओके तो दूसरा स्टेप हो गया कि वो मिरर जो है बैक का मिरर है उसको एडजस्ट करना। ओके तीसरा स्टेप है जो लुकिंग ग्लास, दोनों साइड का जो लुकिंग ग्लास है, जैसे आपको कार हो गया, कार के साइड में जो लुकिंग ग्लास होता है ये लुकिंग ग्लास उसको एडजस्ट करना है। अगर दोनों साइड लुकिंग ग्लास वो एडजस्ट नहीं कर रहा है पीछे साइड के लिए, ताकि वो दूसरे को देख सके, दोनों साइड में गाड़ियों को उसको नहीं देख पाएगा, तो दैट मीन्स वो रियल ड्राइवर नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों कॉर्नर से साइड से जब गाड़ियां जाती हैं तो उनको देखने के लिए उसको एडजस्टमेंट करना जरूरी है। अगर वो एडजस्ट नहीं कर रहा है, हर ड्राइवर का अपना अपना फिजिकल कंडीशन होता है, उसके अनुसार इसको एडजस्ट करना जरूरी है। ये तीन चीज हम ये आपको ये नहीं बोलेंगे कि हाँ सीट बेल्ट लगाना, क्योंकि जनरली क्या होता है कुछ दूरी पे वो सीट बेल्ट लगाते नहीं है, लेकिन सीट बेल्ट लीगल रिक्वायरमेंट है, हमको लगाना चाहिए, लेकिन उसको आप लिफ्ट सीट बेल्ट कोई लगा लेता है या नहीं लगाता है उससे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि वो रियल ड्राइवर है। लेकिन ये तीनों चीज़ों को आप अगर जब तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि वो इन चीज़ों को फॉलो कर रहा है, अगर वो फॉलो नहीं करता है दैट मीन्स ही इज ए नॉट ए रियल ड्राइवर। अगर वो रियल ड्राइवर होगा तो इन तीनों चीज़ों को फॉलो करेगा। तीन चीज़ क्या है, तो सीट एडजस्टमेंट, ठीक है, सीट एडजस्टमेंट, दूसरा बैक मिरर, तीसरा साइड का लुकिंग, साइड मिरर, साइड लुकिंग ग्लास आप बोल सकते हो उसको, साइड लुकिंग ग्लास उसको बोला जाता है, ताकि हम पीछे से गाड़ियां जो आजू बाजू रहती हैं उनको देख सकते हैं। तो इन तीनों को अगर वो नहीं फॉलो कर रहा है दैट मीन्स ही इज नॉट ए रियल ड्राइवर। वो आपको एडजस्ट, ये तीनों चीजों को अगर वो फॉलो कर रहा है दैट मीन्स ही इज रियल ड्राइवर। उसके बाद जो आपका स्टेप है कि की लगाने के बाद उसको हमको थोड़ा आइडल छोड़ना है या फिजिकल कंडीशन देखना है, वो डिफरेंट चीज है, लेकिन इन चीजों को प्राइमरी, क्योंकि सीट पे बैठते इसको ये काम सबसे पहले करना है। अगर ये तीनों चीज पहले कर रहा है दैट मीन्स ही इज रियल ड्राइवर। उसके बाद आपको फिजिकल कंडीशन चेक करना, उसके बाद आपको उसका एक्सेलेरेटर, क्लच, आपको इंजन ऑयल, बाकी जितनी चीजें हैं इसके बाद सेकेंडरी आती हैं, लेकिन अगर ये तीन चीज करता है दैट मीन्स ही इज ए परफेक्ट ड्राइवर। थैंक यू मेरे दोस्तों, अगर मेरे द्वारा जो वीडियो आपको बनाया गया है अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।